हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी फर्स्ट क्लास में हिंदी में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें बच्चों का क्या सिलेबस होता है। तो ये है इसका सिलेबस। आइए दोहराएं वर्णमाला। वर्णमाला जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो फिर से इनको रिवाइज करवाए जाते हैं। वैसे वो नर्सरी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, जब केजी भी स्टार्ट होता है नर्सरी में करवाते हैं, केजी में करवाते हैं, जब फर्स्ट में आते हैं उस टाइम पे भी उसका सेम रिवीजन होता है। क्योंकि जो बेसिक चीज है बच्चों को पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं तब जाके आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद इन्होंने पूरा यहाँ पे इस साल में इस बुक में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में मात्राएं हैं। जब बच्चों को एक बार मात्राएं आ जाती हैं तो उसके बाद वो लास्ट तक जब सेशन पूरा ख़त्म हो रहा होता है तब तक बच्चे पूरा रीडिंग सीख जाते हैं। तो इसमें ये पूरी मात्राएं ही हैं, स्वरों की मात्राएं, जैसे औ की मात्रा, आ की मात्रा। मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्योंकि इंडेक्स में इन्होंने सिर्फ मात्राओं के बारे में लिखा है और मात्राएं इन्होंने कैसे एक्सप्लेन की है वो आप देख लीजिए। ये है वर्णमाला पूरी। और बच्चों की इस तरीके की एक्टिविटी भी होती है। स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी एडजस्ट होने में स्कूल में टाइम लगता है, तो उनको जब स्टार्टिंग में एक्टिविटी दी जाती है तो वो इन्जॉय करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटीज रखी जाती है। तो ये है स्वर गीत। ओ से बना अनार चमकीला, आ से मीठा आम रसीला। तो बच्चों को इस टाइप की राइम और जो कविताएं होती है वो बहुत पसंद आती हैं जब साथ में वो सब गाते हैं। तो ये है जैसे ओ की मात्रा, तो यहाँ पे सारे ये ओ वाले शब्द लिखे हैं, नल, रथ, बस, हल, इस तरीके से। और जितना भी ये बच्चे को रीडिंग का दिया है, ब, त, ख, बतख आ, बतख इधर आ, बतख आ गई, तो सारे ओ की मात्रा वाले हैं ये। तो ऐसी सेम यहाँ पे आ की मात्रा वाले भी हैं, तो मैं आपको बाकी मात्रा वाले दिखाती हूँ। जैसे ई की मात्रा, यहाँ पे ई की मात्रा में सिर्फ इन्होंने छोटी ई की मात्रा वाला लिखा हुआ है। और जो ये लिखा हुआ है ये भी पूरा, किसान आया उसका नाम झरिया था, वह साइकिल पर डलिया रख कर लाया। जितना भी ये लिखा हुआ है, जो स्टोरी लिखी हुई है, तो उसमें सिर्फ इन्होंने छोटी ई की मात्रा वाले ही शब्द लिए हुए हैं, जिससे कि बच्चों को मात्राओं का ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाए। तो ऐसी इन्होंने दो तीन स्टोरी रखी हैं। डांकिया आया, शनिवार का दिन था, रिमझिम बारिश आई, बिमला गिटार उठा लाई, गिटार बजाया, सब छोटी ई की मात्रा है। और ये भी सेम वही है। और साथ में नीचे इन्होंने कुछ शब्द लिखने के लिए भी दिया होता है, उसमें भी सारे ही छोटी मात्रा के, छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखने होते हैं। वैसे ही सेम बड़ी ई का है और सब में बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं दी होती हैं। जैसे ये है, छोटी ऊ की मात्रा है, छुटकी चुईया बड़ी सयानी, करती बस अपनी मनमानी। बच्चों को ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती हैं। तो ऐसी इनमें पोइम जैसी भी होती हैं और चैप्टर भी होते हैं, मतलब जैसे सुबह हुई मुरली दातून कर, नहाया धुला हुआ कुर्ता और पजामा पहनकर वह उपवन गया। तो जब ऊ की मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा तक, फिर बाकी मात्राएं भी ये डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने आ की मात्रा भी यूज़ की है, और आ की मात्रा ने जब बच्चों ने पहले ही पढ़ लिया है तो उनको दोनों ही मात्राएं फिर साथ में पढ़नी आ जाती हैं। तो ऐसी इन्होंने सारी बुक्स दिया है। ओ का भी सेम वही है, देखिए, कोट, गोद, शोर, मोती, होली, ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। ऐसी औ की मात्रा वाले शब्द भी मिलेंगे आपको, पौधा, बोना, चौकी, सौक, नौकर, खिलौना, गौरैया। और उसी पे ये स्टोरी है, मौसी को आम और लौकी का बहुत शौक है। यहाँ पे हर जगह पे इन्होंने औ की मात्रा दी हुई है। और बच्चों से क्लास में ये सारा रीडिंग भी करवाया जाता है, मैम भी पढ़ती है और बच्चों से भी ये रीडिंग करवाया जाता है दो तीन बार, तो बच्चों को अच्छे से मात्राएं आ जाती हैं। और साथ में इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब स्कूल में ये पढ़ा रहे होते हैं साथ में नोटबुक में भी ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं नोटबुक का सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे मात्राएं करवाई हुई हैं पूरी, और पूरे वर्ड भी लिखाए जाते हैं, और साथ में फिर ये वर्कशीट भी करवाई जाती है।
वर्कशीट के थ्रू भी बच्चों को करवाया जाता है। एक चैप्टर को पढ़ाने में उनको 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, और बहुत सारा ऐसे वर्कशीट के थ्रू करवाया जाता है, और पीछे जो पढ़ाया होता है उसका पूरा टेस्ट लेके पढ़ाते हैं। तो इसमें सारी इस तरीके की मात्राएं ही हैं, और बाद में थोड़ी सी ये स्टोरी है बकरी और भेड़िया। और जब बच्चे करते हैं, स्टार्टिंग में उनको मात्राएं करवाई जाती हैं, बट लास्ट तक बच्चों को ईयर ख़त्म होने तक ये सारा पढ़ना आ जाता है, क्योंकि जब एक बार मात्राएं आ जाएं बच्चों को तो उसके बाद वो इजीली रीडिंग कर लेते हैं। तो बच्चे फिर ऐसे पढ़ते हैं, एक मेमना अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जा रहा था। तो हिंदी में इतना ही है, तो इस वीडियो में इतना ही है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सारे बुक्स के रिव्यू भी लेके आई हूँ, और मैं पूरा सिलेबस भी अभी अपलोड करूँगी सारा। तो मैंने सारा सिलेबस भी अपलोड किया है, और मैंने सारे बुक्स के रिव्यूज़ भी अपने चैनल पे डाले हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।